हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश वर्मा। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर में कीबोर्ड प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग कैसे करते हैं, यानी कि जब हम टाइप करते हैं तो हमारा कर्सर ब्लिंकिंग करता है वो कितने टाइम तक करता रहे, और टेक्स्ट को हम बार बार रिपीट कराते हैं वो कितने देर तक रिपीट रहे, और रिपीट टेक्स्ट की डेटा रेट कितनी रहे। ये सब तमाम सेटिंग हम आज समझते हैं और इनका उपयोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। ये है हमारा डेस्कटॉप। सबसे पहले बात करते हैं कि कीबोर्ड प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए कितने तरीके होते हैं। तो कीबोर्ड प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा कंट्रोल पैनल के द्वारा, जिसे ये हमारा टास्क बार है, और लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट पेन में हम कंट्रोल पैनल पे क्लिक करके ओपन करेंगे। अब इसमें हम कीबोर्ड, ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा कीबोर्ड प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगा। देख लिए दोस्तों। अब दूसरा जो है हमारा, वो हम उसको रन कमांड के द्वारा ओपन करते हैं। तो रन कमांड को ओपन करने के लिए विंडोज़ की और दूसरा आर की प्रेस करेंगे, हमारा ये ओपन हो जाएगा रन कमांड। रन कमांड ओपन हो गया हमारा। अब इसमें हम टाइप करेंगे कंट्रोल कीबोर्ड और एंटर प्रेस करेंगे या ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन हो गया। एंड थर्ड जो ऑप्शन है ओपन करने के लिए, वो विंडोज़ और यहाँ सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड देखिए, हम यहाँ पे कुछ ही वर्ड लिख रहे हैं तो हमारा ओपन हो जा रहा है। तो हमको जो ओपन करना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नहीं, ये प्रोग्राम के थ्रू है। हमको कंट्रोल पैनल वाला में ये कीबोर्ड जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इससे ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है हमारा कीबोर्ड प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्पीड, यानी कि जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो हमारे जो वर्ड होते हैं उनकी सेटिंग के बारे में है। जो कैपिटल लेटर लिखते हैं, एक एक लेटर्स, उनकी सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर रिपीट। कैरेक्टर रिपीट में है रिपीट डिले, यानी कि ये देखिए दो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इधर लॉन्ग इधर शॉर्ट। यानी कि रिपीट डिले का मतलब होता है कि जब हम टाइप करते हैं तो हमारा अगला कैरेक्टर कितने देर पे आ रहा है। जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, देखिए हमने नोटपैड ओपन किया है, अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, तो देखिए हम कंप्यूटर जो वर्ड लिख रहे हैं तो ये एक एक वर्ड की स्पीड हमें यहाँ पे शो हो रहा है, कितना हम फास्ट लिख रहे हैं। बट जब हम टाइप करते हैं तो अपनी उंगलियों की स्पीड पे भी निर्भर करते हैं, लेकिन जो हमारा कीबोर्ड का डेटा रेट है वो डिफाइन करता है कि हमारे कंप्यूटर में वर्ड कितने देर में टाइप किए जा रहे हैं। मनुष्य यानी कि यूज़र जो होते हैं और जो टाइप करते हैं वो अपनी उंगली की कैपेसिटी के अनुसार टाइप करते हैं, लेकिन डेटा अगर हमारा शॉर्ट रहेगा तो स्पीड कम रहेगी, अगर हमारा डेटा लॉन्ग रहेगा तो हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो देखिए, ये जो नीचे है दूसरा स्पीड रेट, ये स्पीड का मेंटेन करता है, मतलब फास्ट करना है कि स्लो करना है कीबोर्ड को, यूज़र से नहीं। यूज़र कितना देर भी कितना फास्ट टाइप करे उससे कोई मैटर नहीं रहता है, बट कंप्यूटर कीबोर्ड कंप्यूटर को कितने देर में हर की का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम इसकी भी सेटिंग यहाँ से हम स्लो फास्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम इसको फास्ट कर दिए, तो अगर हम कोई एक की प्रेस किए हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे W प्रेस किया, देखिए एक एक वर्ड प्रेस कर रहे हैं। अगर इसको कंटिन्यूस करेंगे तो इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, अगर हम इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे, यहाँ से स्लो करके यहाँ से अप्लाई कर दे रहे हैं, और हम जब यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखिए इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। अब हम इसको फास्ट कर दे रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्यू, देखिए इसकी स्पीड थोड़ी सी हमारी फास्ट हो गई। नेक्स्ट है कर्सर ब्लिंकिंग रेट। ये हमारा कर्सर है, देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जो ये कर्सर है, जो ये खड़ी पाई लाइन दिखाई दे रही है बड़ी सी लंबी डंडी वाली, इसी को बोलते हैं कर्सर। ये जो ब्लिंक कर रहा है, यानी कि
आ रहा है जा रहा है उसकी स्पीड को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नन है और यहाँ पे फास्ट है, अगर हम इसको फास्ट करके अप्लाई कर दे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। अब उसी तरह यहाँ पे इसको मीडियम में हम करके अप्लाई कर दे रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक ऑप्शन हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या है कि ये डिवाइस का नाम पूछा है, HID कीबोर्ड डिवाइस और स्टैंडर्ड PS2 कीबोर्ड, यानी कि दो प्रकार के कीबोर्ड ये सपोर्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे डिवाइस प्रॉपर्टीज़ है, मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ये हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है, लोकेशन ऑन USB इनपुट डिवाइस, ये इनपुट यहाँ पे है लोकेशन, लोकेशन में ऑन USB इनपुट डिवाइस, USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। कीबोर्ड जो होता है टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट जो होता है PS2 और सेकंड जो आज के जनरेशन में चल रहा है वो USB पोर्टेबल चल रहा है, तो हमारा ये USB वाला है इसलिए यहाँ पे USB लिख रहा है। अगर PS2 रहता तो ये स्टैंडर्ड PS2 यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये कीबोर्ड, यहाँ पे PS2 मतलब पर्सनल सिस्टम 2। नीचे है डिवाइस स्टेटस, द डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि डिवाइस जो है एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।